हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड। तो आज आए हैं हम दुर्गा स्थान मंदिर घूमने के लिए फ्रेंड। यहाँ पर जहाँ हमारा गांव है वहाँ पर भी है फ्रेंड मंदिर, बहुत सुंदर है। तो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलते हैं हम वीडियो में, मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे साथ कल्पना भी आई है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तो इसको भी साथ में ले आती हूँ। ए कल्पना, इधर देखो, आए बोलो। ये कल्पना, ये भी हमारे साथ में आई है फ्रेंड। तो चलते हैं वीडियो में, मैं आगे बढ़ती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर अभी पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि अभी 4 ही बज रहे हैं। जब शाम होता है ना तो फिर पूजा पाठ होता है। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, कितना सुंदर जो है कि माता रानी का जो है कि यहाँ पर मूर्ति लगा हुआ है फ्रेंड। देख सकते हैं आप सब लोग, देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, कितना सुंदर है मूर्ति यहाँ पर। आप सब लोग देख सकते हैं, सारे देवी देवता हैं यहाँ पर, देख सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पर मंदिर की साफ सफाई चल रही है, आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये आने का रास्ता है फ्रेंड, हम लोग उधर से ही आए हैं। और यहाँ पर चुलबुल है जो यहाँ पर ब्लॉग बना रही है, और यहाँ पर कल्पना भी है और ब्लॉग बना रही है चुलबुल उसका फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ छोटी माता रानी है यहाँ पर, माँ दुर्गा, और देख सकते हैं फ्रेंड। बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं, मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे। देख सकते हैं दोस्तों, इधर जाने का है कटिहार लाभा अहमदाबाद, देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं फ्रेंड, इधर जो है माता रानी, मतलब कि जब जब होता है ना जगराता, तो यहाँ पर ये रखा हुआ है फ्रेंड। देख सकते हैं माता रानी का ये डोली है फ्रेंड, जो बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, और मैं आप सभी लोगों को आगे दिखाऊंगी। देख सकते हैं फ्रेंड, अभी तो मतलब कि इधर जो है कि रंगैया पतैया हो रहा है फ्रेंड, क्योंकि एक पूजा बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर चुलबुल खड़ी है और यहाँ डांस कर रही है। अच्छा डांस कर, अरे वाओ, देख सकते हैं, अरे वाओ चुलबुल, बहुत अच्छा डांस कर रही हो तुम।
फ्रेंड, ये रही हमारी चुलबुल, मेरी प्यारी सी चुलबुल, माता रानी को प्रणाम कर रही है। जय माता दी चुलबुल, क्या कर रही हो तुम? फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी चुलबुल जो है कि घूम रही है, और ये देख सकते हैं यहाँ पेंटिंग हो रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं, क्योंकि जो है कि 3 तारीख को जो है कि एक पूजा स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि नवरात्रि का टाइम चले आएगा फ्रेंड। इधर भोलेनाथ का मंदिर है, तो आप सभी लोग मेरा ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड। देख सकते हैं इधर भोलेनाथ का मंदिर है, चुलबुल यहाँ पर घंटी बजा रही है फ्रेंड, देख सकते हैं आप सब लोग। और जो है कि भोलेनाथ का जयकारा लगा रही है हमारी चुलबुल। अरे वाह चुलबुल, चुलबुल हमारी बहुत प्यारी है फ्रेंड, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें हमारी चुलबुल को, और कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिखें हमारे फ्रेंड। और इधर मैं आ गई, मैंने सोचा कि मैं भी प्रणाम कर लेती हूँ फ्रेंड। ये मंदिर का जो है कि आने का रास्ता है फ्रेंड, देख सकते हैं जहाँ पर हमारी चुलबुल खड़ी है, और कितना बड़ा फील्ड है आप सभी लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ कितनी सारी सीढ़ियाँ भी हैं। और हमारे साथ जो है कि हमारी कल्पना सिस्टर भी आई है, और ये हमारी चुलबुल है जो कल्पना की वीडियो बना रही है फ्रेंड, और कल्पना जो है कि ऊपर जा रही है अभी माता रानी को प्रणाम करने के लिए, माथा टेकने के लिए फ्रेंड, देख सकते हैं आप सब लोग। और ये रही हमारी चुलबुल जो वीडियो बनाने में मशहूर है अभी, और मंदिर की साफ़ सफाई हो रही है फ्रेंड जो है, उसके बाद जब शाम होगा तो फिर पूजा पाठ होगा फ्रेंड, आप सभी लोग देख सकते हैं। और हमारी चुलबुल बहुत अच्छा एडिटिंग भी करती है और बहुत अच्छा वीडियो भी बनाती है फ्रेंड। और मैं आ गई फ्रेंड, जय माता दी, देख सकते हैं मंदिर का पट खुल चुका है फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, बहुत शानदार लग रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी माता रानी बैठी हुई हैं, देख सकते हैं फ्रेंड। और लक्ष्मी माता भी है, और गणेश जी भी हैं, नंदी जी भी हैं, सब कोई है फ्रेंड, देख सकते हैं वैष्णो माता भी है। और ये माता रानी का जो है कि यहाँ पर जो है कि बिछावन लगा हुआ है जहाँ माता रानी सोती है फ्रेंड। आप सभी लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड, और जो है कि बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा फ्रेंड, और जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी।